सब्सक्राइब करो पंजाबी रियल टीवी ट्रेलविन अप द नप द हेलो जी माय नेम इज सिमरन सिंह एंड शी इज दिलप्रीत कौर सो सो गाइस एक नवी जी ट्रेंडिंग जी खबर चल रही है YouTube ते बड़ी भज्जी फिरदी है वो खबर है कि एक पाकिस्तान दा एक गेमर आ मतलब एक नॉर्मल गेमर होंगे ना जिदा जिदा आप गेम खेल लें ओदा ठीक है तो टेकन तुम्हें पता होना कि एक गेम है यार बड़ी वधिया गेम है फाइटिंग गेम है एक्चुअली एक जैपनीज गेम है तो वह गेम टूरनामेंट उन्होंने हिस्सा लिया तो वह बंदा वह जितया ठीक है सो ही इज द विनर ऑफ टेकन सो जो वर्ल्ड के टॉप लैवल के गेमरस है ना ते ओ टेकन प्लेयर है ठीक है सो वो जितया वो बारे आप अच्छ जानेंगे इस वीडियो दे विच सो वो पाकिस्तान तो बिलोंग करता देखते हैं कि यह पूरी वीडियो देखियो तो ही सारी समझ लगनी वीडियो छड़ के ना जायो सो वीडियो शुरू करने तो पहले अपने चैनल को सबसक्राइब कर लो एंड हिट द बैल आइकन एज़ वेल दैट नोटिफिकेशन तुहाडे फोन तुहानू मिल जाए सो वीडियो करते हैं शुरू होर टाइम वेस्ट नहीं करते लैट गैट स्टार्टड कैसे लाहौर का एक गरीब और टैलेंटेड लड़का हाँ लाहौर का पंजाबी इतने पैसे भी नहीं थे कि वो जापान जाकर वीडियो गेम्स के इंटरनेशनल मुकाबले में हिस्सा ले सके अच्छा। और जो 3 दिन तक एयरपोर्ट पर बिना कुछ खाए पिए भटकता रहा 3 दिन आज दो ममालिक यानी जापान और अमेरिका का चैंपियन बनकर टेकन नामी एक मशहूर वीडियो गेम का सबसे बड़ा प्लेयर बन चुका है जिसकी वजह से आज गेमिंग के कई इंटरनेशनल प्लेयर्स ट्रेनिंग लेने की नियत से पाकिस्तान आना चाहते हैं दोस्तों आप इस वक्त मौजूद हैं कहानी घर में अरसलान सदीकी इस वक्त दुनिया भर की गेमिंग कम्युनिटी में अरसलान ऐश के नाम से मशहूर है ये वो वाहिद ई स्पोर्ट प्लेयर है जो इस वक्त एक मशहूर फाइटिंग वीडियो गेम यानी टेकन में बैक वक्त जापान और USA का चैंपियन है मगर लाहौर के एक छोटे से इलाके बागबानपुरा के रिहायशी अरसलान को कुछ साल पहले कोई भी नहीं जानता था फिर ये सब कैसे हुआ कैसे इसका जवाब है शौक लगन और फिर कुछ साबित करने का मौका मिल जाना याद रहे कि टेकन 7 एक मशहूर फाइटिंग वीडियो गेम है जिसके मुकाबलों में हिस्सा लेने दुनिया भर से हजारों प्लेयर्स कई सालों तक मेहनत और ट्रेनिंग करते हैं इन मुकाबलों को अब तक जापानीज और कोरियन प्लेयर्स ही जीतते आए हैं ये गेम कितनी फेमस है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि रिसेंटली ही अमेरिका के शहर लॉस वेगस में होने वाले ईवो लॉस वेगस नामी मुकाबलों के फाइनल्स में जिसमें अरसलान ऐश ने तमाम मशहूर चैंपियंस को चित किया को देखने के लिए 2,50,000 लोग लाइव हो चुके जबकि लाखों लोगों ने इस इवेंट को टीवी और इंटरनेट पर लाइव देखा यार गेमिंग वर्ल्ड बहुत आगे जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स की दुनिया में पाकिस्तान को कोई नहीं जानता था मगर फिर ये सब कैसे हुआ अरसलान बचपन से ही अपने इस शौक यानी वीडियो गेमिंग को प्रैक्टिस करता आया था इनफैक्ट इसके मुताबिक वीडियो गेम्स पर टाइम जाया करने की वजह से इसे अपनी मदर से मार भी खाना पड़ती थी सबनों को आएगी भाई मगर अरसलान फिर भी अपने इस शौक को प्रैक्टिस करता आया है क्या मोटिवेशनल स्टोरी बनाई है टेकन का एक मशहूर खिलाड़ी बन गया मगर अरसलान स्पॉटलाइट में तब आया जब वो इसी वीडियो गेम के दुबई में होने वाले मुकाबलों में हिस्सा ले रहा था अगरचे ये इन मुकाबलों में 9वें नंबर पर रहा मगर इसने उस वक्त के टेकन चैंपियन यानी नी को नाको चने चबवा दिए और इसे इन मुकाबलों में 6-0 से मात दी फिर भी सबको लगा कि ये महज एक इत्तफाक था अरसलान के टैलेंट को भांपते हुए इसे V/ नामी एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स टीम ने अगले इंटरनेशनल मुकाबलों के लिए स्पॉन्सर कर दिया फरवरी 2019 में जापान के शहर फाकुका में इसी फाइटिंग गेम यानी टेकन का एक मेगा कंपटीशन होने जा रहा था जिसके लिए दुनिया भर से बेस्ट टेकन प्लेयर्स जापान आ चुके थे इससे पहले पाकिस्तान से कोई भी खिलाड़ी इन मुकाबलों में नहीं जा सका था लिहाजा अरसलान को जापान के वीजा और टिकट्स के हसूल में बे इंतहा दुश्वारियों का सामना करना पड़ा कई बार इसकी फ्लाइट्स डिले हुई और एक पाकिस्तानी होने की वजह से इसे जापान की डायरेक्ट फ्लाइट्स भी ना मिल पाई ऊपर से सितम ज़रीफ़ी ये कि जो पैसे ये अपने साथ लाया था वो सब खत्म हो चुके थे इस तरह ये 3 दिन तक एयरपोर्ट्स पर भूखा और नींद से बेहाल भटकता रहा इनफैक्ट अरसलान के मुताबिक एक मौके पर तो ये बिल्कुल हिम्मत हार चुका था और वापस लाहौर जाना चाहता था मगर इसकी टीम मुसलसल इससे राबते में थी और इसके साथी खिलाड़ी इसे हौसला देते रहे 3 दिन से नींद की कमी का शिकार और भूख से नढाल अरसलान सीधा इवो जापान के मेगा टूर्नामेंट में हिस्सा लेने जा पहुंचा और इसे आराम करने का मौका तक न मिला
अरसलान के मुताबिक इसे पूरा यकीन था कि वो इस कंडीशन में एक भी मुकाबला नहीं जीत पाएगा, मगर इसके बाद जो कुछ हुआ वो सबके लिए शॉकिंग था। अरसलान ऐश, एक्स चैंपियन नीस समेत एक के बाद एक कोरियन और जापानीज खिलाड़ियों को ठिकाने लगाता चला गया। इनफैक्ट अरसलान ने एके नामी एक खिलाड़ी जो कि फिलिपाइन का चैंपियन था, इसको 3-0 से शिकस्त दी। और अरसलान ना सिर्फ इवो जापान का वर्ल्ड चैंपियन बना, बल्कि दुनिया भर की नजरें अब पाकिस्तानी प्लेयर्स की जानिब लग गई, क्योंकि अरसलान बेसिकली इससे पहले पाकिस्तान में होने वाले मुकाबलों में 16वें नंबर पर आया था। अरसलान को कुछ दिन जापान में ही रहने की रिक्वेस्ट की ताकि जापानीज खिलाड़ी अरसलान से ट्रेनिंग ले सके। अब अरसलान की नजरें सबसे बड़े ई स्पोर्ट टूर्नामेंट यानी इवो लॉस वेगस पर थी, जो कि अमेरिकन शहर लॉस वेगस में मुनक्कद हुआ। इस इवेंट के फाइनल्स को देखने के लिए 2,50,000 से ज्यादा शायकीन एरिना में मौजूद थे। अरसलान ऐश को कम लोग जानते थे और कोरियन प्लेयर नी जो कि कई बार इवो चैंपियन बना था, हर कोई उसे सपोर्ट कर रहा था। अरसलान ने ना सिर्फ नी को इन फाइनल्स में 2 मुख्तलिफ मुकाबलों में शिकस्त दी, बल्कि ये अपने रास्ते में आने वाले सभी प्लेयर्स को धूल चटाता चला गया। ये सब लोग काफी स्किल्ड और एक्सपीरियंस थे, मगर अरसलान के टैलेंट के सामने ये सब रेत की दीवार साबित हो रहे थे। और फिर आखिर अरसलान बेस्ट टेकन प्लेयर इन द वर्ल्ड का टाइटल समेट कर क्राउड के सामने सजदे में गिर गया। ये मोमेंट शायद पाकिस्तान के लिए 2019 का बेस्ट मोमेंट था। अरसलान के जज्बे और टैलेंट को देखते हुए एक्स चैंपियन नीस समेत कई इंटरनेशनल खिलाड़ी पाकिस्तान जाकर ट्रेनिंग लेने का ऐलान भी कर चुके हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कहें। वीडियो को लाइक और शेयर। 1, 2, 3 स्टार्ट। सो गाइज, ए सी अच्छी थी वीडियो। वीडियो के आप देखिया कि किदा एक पाकिस्तानी प्लेयर जो गेम खेडते है, तो ये तो थोड़ा इदा पता सी इदा जिहड़ियां फोन वाली जां मोबाइल गेम्स जां पीसी गेम्स उन्हां दे नहीं पता टूर्नामेंट्स भी इदा दे भी हुंदे होण। पबजी दे भी बहुत हुंदे आ, पबजी दा बाकी चीज अच्छा, पबजी दे भी नहीं पता। एंड सीरियसली यार, इट वाज गुड। मतलब कि बच्चा एक वैसे तो यह जेकर घरे घरे खेडते है तो इहनूं बुरी आदत ही कहा जांदा कि इदा गेम्स क्यों खेडते आ तुसीं। हाँ, डांट तो हरेक नूं पैंदी, आपां भी खेडे आ, आपां भी डांट खाधी, आपां नूं भी पई आ। जमाना चेंज हो रहा है, चीज़ा आ रही सारिया, टैक्नोलॉजी इन्नी हाई हो रही है, तो जिदा एक पहला गेम्स दूजिया गेम्स भी चल दया है ना, जो फिजिकली चल दया, पर टैक्नीकल इन्ना डिजिटली आप ग्रो करी इन्ने दिनों दिन के इदा के टूर्नामेंट्स भी होने लग गए। एंड सिर्फ ये छोटे लैवल से नहीं होंगे, एक व्डे लैवल से होंगे, व्डे व्डिया कंपनीज स्पोंसर कर दियाँ, जिदा आप देखे ही है कि इन्हों की नाम से उस कंपनी का जिन्होंने इन स्पोंसर किया, उन्हें टी शर्ट भी उन्होंने पाई हुई है, लोगो लग्या हुआ उन्हों का। सो बहुत वधिया गल है यार ये। ते एंड मतलब जेडे स्पोर्ट्स वाले होंदे जिदा दे है ना, मतलब गेम्स वाले होंदे, इन्हां नूं मतलब मनी भी काफी पे करदे है। हां बिल्कुल करदे है। एंड आए है ना भी हुण जिदा हुण ये जीते आ उत्थे, तां ऑफ कोर्स गेम जीते आ, तां इन्हां नूं कुछ प्राइज भी मिले ही, आए तां नहीं कल्ली ट्रॉफी मिली है। एंड कुछ ना कुछ तां इन्हां नूं वधिया चीज़ मिली होनी, ओह चलो इस वीडियो दे विच रिवील नहीं कीती गई, बट सानू अज दी वीडियो यार सीरियसली बहुत अच्छी लगी है। मतलब इन्ना वधिया भाई ने, वधिया लगा है। हां एंड इन्होंने जे काश ये वीडियो आँदी जां लाइव वीडियो वो वाली देखिए आप है ना, जदों ये कंपीटिशन होया तो मेरे ख्याल वो उस तो भी ज़्यादा घैंट होगा, बेस्ट होगी। ये भी है ना कि देखो 2.5 लाख बंदे देखने आए उन्होंने, तो कोई थोड़े नहीं थोड़े नहीं है यार, इन्हें तो मैं लगता है बैडमिंटन देखने नहीं लोग आते होने स्टेडियम में जिन्हें एक टेकन गेम देखने आए। हाँ जी, मतलब इन्ना मतलब लोगों को क्रेज है यार। टेकन गेम मैं भी खेडी है, तो पर मैं टेकन 5 तक खेडी है, उस बाद मैं नहीं खेडी। मेरे ख्याल मैं गेम प्ले भी एक इतने दिखाया से इस चैनल से, एक खेड के भी दिखाई थी है ना, वो वीडियो भी बनाई सी, बट ठीक है गेम बहुत अच्छी है यार, वो बहुत घेंट है वाकई। हूँ अगे तो यही चीज़ा आया कर कि जो इंजीनियर्स आ जा सॉफ्टवेयर मेकर आ जा एप मेकर जा गेम मेकरस आ जोड़े, सो वो गेम्स बनाने ध्यान देने, इन घेंट घेंट गेम बना, तो इधर खिडारी तैयार होंगे रहन गेम खेडने।
ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਇੱਕ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਲਈ। ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਫਸਟ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਜਿਹੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਮਾਲ ਹੈ ਵੈਸੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਡ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਯੂਥ ਆ ਬੜੀ ਲਾਈਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਘਰ ਖੁਦ ਹੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਕੇ ਸਟਾਰ ਬਣ ਗਏ। ਚਲੋ ਐਨੀਵੇਜ਼, ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ, ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਊਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਲਈ। ਚਾਹੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅੱਜ ਕਈ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਮਿਡਲ ਏਜ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੀ ਕਰੀਅਰ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਬਟ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਐਂਡ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰੀਅਰ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਣੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਗਾਈਜ਼, ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ, ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਅਤੇ ਚੱਕੀ ਰੱਖੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੰਮ।